टीवी और शशिकांत गुंतला आपके सामने फिर से हाजिर है रियलिटी शो लेकर। धक 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 धक। आशा जी पता है कितने सारे ईमेल आ गए, कितने सारे लोगों के उलझने आ गई है, कितने लोगों को दिल में कितने सवाल है, क्या क्या। और इनके लिए पहले सबसे पहले हमने चार लोगों को प्रायोरिटी दी है। कौन वो चार लोग है? हमेशा ओके रोशिदा सुनीता हाँ। और ये किम ओके। और इन लोगों को इसलिए हमने सबसे पहले चुना है क्योंकि ये जो इनकी छोटी छोटी बातें हैं धीरे धीरे बढ़ते 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 पहाड़ जैसी बन गई। और इसीलिए जब वो लोग बेचैन रहे थे तो हम भी बेचैन रहे थे। सच्ची बात है। आजकल मुझे भी सर्दी जुकाम हो गया है, माफ करना दर्शकों, अगर मैं बीच में रुमाल लेकर अगर मैं अपना नाक पोंछ लूं प्लीज इरिटेट मत होना। क्योंकि आप ऐसा करिए ना, मेरी खांसी आप खा लीजिए, आपकी सर्दी मैं ले लेती हूँ। ये तो वही हुआ ना, वही हुआ कि आखिर में रुमाल यहाँ से वहाँ जाएगा, वहाँ से रुमाल यहाँ आता है। अब इसमें मैं ही अपना रुमाल यूज करूँ तो इसमें क्या दिक्कत है। चलो जाने दो। अब ये बात कहना है कि इनकी जो उलझने हैं, इनकी जो पेचीदे तकलीफें हैं, जो छोटी छोटी बातें हैं और छोटे छोटे सवाल हैं, उन सवालों को हमें जल्दी से सोल्यूशन देना पड़ेगा। दीजिए। कोई बात नहीं, क्यों आप डर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है सुनीता जी? सुनीता जी ने लिखा है कि आज वो मेरे हैं, वो तो आजकल हमारे मोबाइल ही नहीं उठाती। ओह माय गॉड, ऐसा भी मत कीजिए सुनीता के साथ। मोबाइल नहीं उठा रहे हैं, आए हाय 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 हाय। हमें भी बड़ा दुख होता है, पर हमें भी लगता है कि जब आपको अपने दिल की कुछ गहरी बातें कहनी है बस उसी वक्त मोबाइल नहीं उठाते। ओके, ये उलझन का जवाब बेलजोल और टीवी यू चुटकी में देगा। डोंट वरी, बी हैप्पी। यस। अब आती है उन्मेषा। उन्मेषा कहती है कि भाई उलझन क्या है उनकी पता नहीं, पर पहले मिलते थे तो चेहरे पर नूर था, हंसी थी। अब पहरे दे रहे हैं दासी और खामोशी, यानी के अब के चेहरे पर है उदासी खामोशी और पहरे दे रहे हैं यही उदासी खामोशी उदासी खामोशी उदासी खामोशी। अब मतलब क्या हो गया इनको, पहले इतने मिलते थे तो इतने प्यार से बात करते थे, अब ये भी उलझन है। बहुत बड़ी उलझन, हमें प्रायोरिटी देनी पड़ी। तो आते हैं उनकी उलझन हम लेके अभी हाजिर होते हैं जरूर। और इसके बाद में रोशिता, रोशिता कहती है कि रोशनी में भी लगता है अंधेरा, रोशनी में भी लगता है अंधेरा, पहले अंधेरे में भी लगता था उजाला। यानी जो खुशियां थी, जो जगमगाहट थी, जो मजा थी लाइफ में, वो फीकी हो गई है। अच्छा तो इनकी उलझने भी सही है, क्यों ये बेलजोल टीवी को लिखना ही पड़ेगा कि ऐसा क्यों हो गया लाइफ में। पहले जब वो आते थे तो उजाला आ जाता था, और अब वो आते हैं तो अंधेरा अंधेरा ही रहता है। अब इसमें कोई उजाले की गुंजाइश नहीं है। हाँ तो कोई बात नहीं, इनको भी हम सुझा देते हैं। अब एक और बाकी है किम, किम के बारे में हमें क्या लिखा है किम ने। तो किम का कहना है कि आजकल हमारे वो खोए खोए रहते हैं, पता नहीं क्या हो गया है। क्या हो गया? ओ ये थोड़ा सा पेचीदा मामला है। अरे बाप, वो फिर कैसे सुलझाएंगे? मतलब दाल में कुछ काला है। अरे काली दाल को थोड़ी पीली भी कर दो भाई।
सब हो जाएगा। नींबू निचोड़ दो, काली दाल पीली हो जाएगी। काले पीले ये सब करने के लिए यहाँ नहीं बैठे हैं। काला धन होगा तो आपको छोड़ेंगे नहीं, और सफेद धन होगा तो आपको हम मुस्कुराते रहे। हमारी बात आप बहुत जल्दी समझ जाते हैं, बेंजो के साथ है। आपके शुक्रगुजार हैं और हम आज आते हैं इनके सवालों का जवाब देने के लिए। लेकिन अगर मैं बोलूं कि अगर मैं आपको हाथ दीजिए, ये लीजिए, आई ना चेहरे पर, खाइए चॉकलेट, मजा उठाइए, और तो मेरे साथ आप सारे जवाब अभी के अभी पाइए। मिल गई है चॉकलेट, मिल गया है मुंह पे मिठास, और ये अभी दे रहा हूँ जवाब कि मेरी इन आंखों की ताकत को आपने देखा, तो डालिए आंखों में आंख। और मेरा कहना ये कि आंखों की जो ताकत होती है, मन की जो ताकत होती है, दिल की ताकत होती है, खामोशी की ताकत होती है, बोलने की जरूरत नहीं, जुबा की जरूरत नहीं है। आप बगैर बोले भी जो आपके चहेते हैं इनका दिल कैसे छीन लेते हैं, कैसे उनकी उदासी में खुशियां भर देते हैं। बस ये काम करने के लिए सिर्फ आपकी आंखें ही काफी है, और ये आंखें आंखों में डालिए। और क्या करना है आपको कि आंखों की जो बातें हैं जी, तो हाथों में हाथ डालिए। ये मौका कब मिलता है भाई, जंकार गूंज उठेगी दोनों दिलों में एक साथ। वाओ, तो बात ये है कि इन आंखों की ताकत का आपको उपयोग करना है, और कुछ नहीं है, बहुत छोटी सी हल्की सी बात है, और ये हल्की सी बात को आपको हम आज बता रहे हैं जी। कुछ नहीं करना है, नहीं आप अपने चाहिए की आंखों में आंख डालिए, बोलना कुछ नहीं, उनको भी मत बोलने दीजिए, आपकी आंखें बोलेगी और आपकी आंखों की ताकत बोलेगी, और यही मुस्कुराहट, यही चहेती, प्यार भरी नजर उनको कर देगी हैरान, परेशान और दीवाना, और फिर वो दीवानगी हमेशा के लिए रहेगी बरकरार। बेंजो टीवी आपके लिए ऐसी ऐसी सुलझाए हुई बातें लाते हैं कि आप अपनी जिंदगी में बहुत बहुत खुशहाल रहेंगे। और तो हमें भूलिए मत, अगर कोई ऐसी छोटी तकलीफ, कोई ऐसी दिल की बातें जिसमें आप उलझ गए हैं, तो जरूर हमें लिखकर भेजिए। और हर्षा जी तो हाजिर है ही है, और मैं तो पीछे खड़ा ही खड़ा हूँ, हाथों में हाथ डालकर, आंखों में आंख डालकर, और फिर देखिए क्या होता है जिंदगी में, मजा ही मजा, उजाला ही उजाला। ये बातें आपको अगर हमें लिखनी है तो आशा जी बताएगी कि कैसे लिखेंगे, तो आप बताइए इनको कि ये जो बातें हैं दर्शकों लिखने के लिए आपकी किसी भी उलझन का सॉल्यूशन बेंजो टीवी दे सकता है। आपको करना है गूगल प्ले स्टोर में जाके बेंजो टीवी की एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, और यदि आप कोई भी उलझन आपकी हो उसको हम तक पहुंचाना चाहते हो तो गूगल अरे बेंजो टीवी का जो ईमेल आईडी है उसके ऊपर लिख सकते हो ads.segula@gmail.com, और मेरा ईमेल आईडी है harshagundala@gmail.com।